नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो अभी फिलहाल हूँ मैं उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में, और ये देख लो भाई, हमारे पीछे है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये जो मंदिर है ना, ये विज्ञान का भाई साहब बहुत ही अनोखा चमत्कार वाला मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में भाई मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो शायद सुन के आपको विश्वास नहीं होगा। तो आज का व्लॉग इसी मंदिर पे होने वाला है और मैं आपको कराने वाला हूँ फुल टूर कोणार्क सूर्य मंदिर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, सूर्य कोणार्क मंदिर जाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको टिकट, जिसका प्राइस है करीबन 40 रुपये। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको देने पड़ेंगे 600 रुपये। टिकट काउंटर के पास में ही आपको गाइड भी मिल जाएगा जो कि आपको सूर्य कोणार्क मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं फैमिली के साथ में तो एक गाइड आप जरूर ले लें। सूर्य कोणार्क मंदिर में आप जब आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सूर्य कोणार्क मंदिर से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर जगन्नाथपुरी टेम्पल है। तो वहाँ पे जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो आप सभी लोग यहाँ पे सूर्य कोणार्क मंदिर जरूर देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको हमेशा भीड़ देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ सूर्य कोणार्क मंदिर में जब भी आप आए तो अपने साथ एक छाता जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोग यहाँ पे भाई गर्मी से परेशान ही दिखेंगे आपको। सूर्य कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट पर बना हुआ है। यह सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसे बनाने का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। इस मंदिर को बनाने में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर का निर्माण करीब 12 साल में हुआ था और इसमें करीब 12,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं और 7 घोड़े इस मंदिर को खींचते अपने नजर आएंगे आपको। दोस्तों, ये जो सूर्य कोणार्क मंदिर है, इसको जो बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, और इसको बनवाने के लिए उन्होंने शर्त ये रखी थी कि ये जो बनेगा मंदिर वो 12 साल में बनेगा, और इसको जो बनाएंगे लोग वो 12,000 लोग बनाएंगे। और अगर ये 12 साल में बनकर रेडी नहीं हो गया होगा तो वो जो मजदूर बना रहे थे उन सबको मार दिया जाएगा। राजा ने ऐसी शर्त रखी थी। तो जब ये मंदिर बन रहा था तो ये मंदिर तो पूरा अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो गया था, लेकिन ऊपर या जो आप टॉप पे देख रहे हो वहाँ पे एक कलश रखना था। तो जो मेन मतलब मिस्त्री थे जो ये इस मंदिर को बना रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान के थे, कलश रख नहीं पा रहे थे वो लोग। तो मंदिर के जो मिस्त्री थे, जो मेन मिस्त्री थे उनके बेटे ने, या उनका जो बेटा था वो यहाँ पे आ गया था और उसकी मदद से ऊपर कलश रख दिया गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई थी कि राजा ने शर्त रखी थी कि करीबन 12,000 लोग ही इस मंदिर को बनाएंगे, और राजा के बेटे को मिला के हो गए थे टोटल 12,001 लोग। तो जो मजदूर थे, अब उनको ये डर सताने लगा कि राजा को जब पता लग जाएगा तो राजा सबको मार देगा। तो इसलिए लड़के को जब ये बात पता लगी तो लड़के ने ऊपर से छलांग लगा दी थी। तो इस वजह से ये मंदिर खंडित हो गया था, और आज तक इस मंदिर में कभी भी पूजा नहीं होती है। और यहाँ पे भाई लोग हमेशा आके वीडियो फोटो वगैरह इसीलिए फोटो वगैरह खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई भी पूजा वगैरह नहीं होती है, और ये मंदिर है जो वो पूरी तरीके से खंडित हो गया है। तो जब बाद में राजा ने इस मंदिर, जब बाद में ये मंदिर बनके रेडी हो गया तो राजा ने यहाँ पे आके पूजा अर्चना शुरू करी। तो जैसे ही जब राजा पूजा करते थे तो मंदिर का कोई ना कोई पार्ट हमेशा टूट जाता था। तो बाद में जब राजा को इस बात का पता लगा कि ये जो यहाँ पे जो मिस्त्री का बेटा है उसने कूद के आत्महत्या कर ली थी, तो फिर राजा ने इस मंदिर में पूजा बंद कर दी। और इसके बाद में भाई ये जो मंदिर है वो पूरी तरीके से पूजा वूजा सब इसमें बंद हो गई। दोस्तों, ये गोल गोल जो व्हील आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही फेमस व्हील है, और भारत के 10 की नोट में आपको ये व्हील देखने के लिए मिल जाएगा, और आपने कहीं ना कहीं ये व्हील जरूर देखा होगा 10 की नोट पे। तो दोस्तों, ये है भारत की सबसे पुरानी घड़ी, क्योंकि पुराने टाइम पे जब घड़ी नहीं थी तो दोस्तों ये जो गोल गोल व्हील देख पा रहे होंगे आप, इसके सेंटर में जब लोग डंडी लगा के छाया देखते थे तो उनको सही टाइम का अंदाजा लग जाता था, तो इसको सबसे पुरानी घड़ी कहते हैं। आज भी गाइड व्हील के सेंटर में डंडी लगाकर बिल्कुल सही टाइम बता देते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि जब ये सूर्यदेव का टेंपल 12 साल में भाई साहब बनकर तैयार हुआ था ना, तो इसके अंदर गर्भगृह में एक मूर्ति रखी गई थी जो कि किसी भी आसन पे नहीं थी भाई। वो मूर्ति जो थी वो हमेशा हवा में ही तैरती रहती थी। अब गर्भगृह, ये मंदिर के सबसे जो टॉप पॉइंट देख पा रहे होंगे, वहाँ पे एक इतना हाई क्वालिटी का मैग्नेट लगाया गया था
गर्भगृह के अंदर जो सूर्य भगवान की मूर्ति थी ना, वो हमेशा हवा में तैरती हुई दिखती थी। तो काफी सालों तक लोग चमत्कार मानते रहे। और ऊपर इतना हाई क्वालिटी का मैग्नेट लगाया गया था ना कि यहाँ पे जो मतलब पास में समुन्दर है, वहां से जो जहाज वगैरह जाते थे ना, जो पानी वाले जहाज जाते थे, वो भाई अपनी दिशा भूल जाते थे। मतलब मैग्नेट इतना हाई क्वालिटी का मैग्नेट लगा हुआ था यहाँ पे। तो ये जो मंदिर है ना भगवान सूर्य देव का, इसमें भाई भगवान के वो बताते हैं कि जो पहली किरण जो निकलती थी, वो भाई सबसे पहले इस मंदिर में भगवान के जो बताते हैं खीरा था उस पर पड़ती थी सबसे पहले। तो ये जो मंदिर है सूर्य कोणार्क मंदिर, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस। मंदिर के टॉप पे आप ये जो पॉइंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लगाया गया था 12 टन मैट्रिक का हाई क्वालिटी का मैग्नेट, जिसकी वजह से गर्भगृह की मूर्ति हमेशा हवा में रहती थी। और 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे जो समुंदर पे जो भी जहाज और नाव चलते थे, वो सब अपनी दिशा भूल जाते थे, क्योंकि कैंपस सही तरीके से उनको दिशा नहीं दिखा पाते थे। तब ये बात पुतरगालियों को पता लगी, तो उन्होंने यहाँ का मैग्नेट निकाल लिया और मंदिर ढहना शुरू हो गया था। मंदिर ना गिरे इसीलिए गर्भगृह को बंद कर दिया गया था ईंटों से। आप जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट देख पा रहे ना, वहाँ पे एक लगा था हाई क्वालिटी का मैग्नेट, जिसकी वजह से भाई इस मंदिर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। जो कि मूर्ति रखी हुई थी ना इस गर्भगृह में, वो मूर्ति हमेशा हवा में ही तैरती हुई नजर आ रही थी। अगर आप उसको देखते तो ऐसा लगता कि वो मूर्ति एकदम हवा में ही रहती थी। तो यहाँ पे लोग उस चीज़ को चमत्कार मानते थे। काफी सालों तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि यार ये मूर्ति हवा में क्यों है। वो मैग्नेट इतना हाई क्वालिटी का था, तो ये जो मंदिर था वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। यहाँ के पास में ही समंदर है, तो वहां से जो भी मतलब नाव वगैरह गुजरती थी, जो भी जहाज गुजरते थे पानी वाले, वो सब अपनी दिशा भूल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक क्षेत्र बनता था। और मैग्नेटिक क्षेत्र में भाई कंपास वगैरह जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो वो सारे दिशा भूल जाते थे। तो एक बार पुतरगाली यहाँ से जा रहे थे, तो फिर पुतरगालियों को पता लगा कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जहाज समुद्र में चलते हैं वो अपनी दिशा भूल जाते हैं। तो पुतरगाली जो थे वो यहाँ का मैग्नेट निकाल के अपने साथ ले गए, और जब से उन्होंने मैग्नेट निकाला तब से मंदिर टूटना शुरू हो गया है। और आज इस मंदिर में भाई जो गर्भगृह था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस मंदिर को मैं अगर गर्भगृह बंद नहीं किया था तो पूरा मंदिर ढह के गिर जाता था। उसको भाई मंदिर को गर्भगृह को बंद कर दिया गया था। तो आज भी इस मंदिर में भाई रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और हो सकता है 2-3 साल के अंदर गर्भगृह भी खोल दिया जाए। तो देख पा रहे होंगे मेरे पीछे रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा है, सीढ़ी वगैरह आपको दिख रही होगी। तो भाई ये यहाँ पे मतलब खास चीज़ें थी इस मंदिर में। दोस्तों यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अभी करीबन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भाई फील आ रहा है 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का। और यहाँ पे भाई अभी मैं आया था दोपहर में, भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, तो भाई थोड़ी देर घुमा इधर उधर, फिर आके यहाँ पे भाई बैठ गया। और पीछे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई नल वगैरह भी लगा है मंदिर के पीछे, और यहाँ पे प्योरीफायर वगैरह है। तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आप जब टहलोगे ना तो आपको 1 घंटे के अंदर ऐसा लगेगा जैसे भाई आग में आप टहल रहे हो। बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे। तो मैं जब भी आपसे यही सब बोलूंगा कि अगर आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा यहाँ पे ठंडियों के मौसम में घूमने के लिए आना। भाई ठंडियों में ये जगह घूमने के लिए भाई जन्नत से कम नहीं है। लेकिन अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो भाई समझ लो कि भाई एक तरीके से ब्लोअर का आनंद मिलेगा आपको यहाँ पे। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, तो ठंडियों में आना, गर्मियों में यहाँ पर घूमने के लिए कभी मत आना। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर घूम के आ गए भाई। सो कोणार्क सूर्य मंदिर घूम के भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी फिलहाल हम लोग हैं चंद्रभागा बीच पे। कोणार्क मंदिर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे ये बीच आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई बहुत ही सुंदर बीच है, और इस बीच की सबसे खास बात ये है कि भाई यहाँ पे ना क्राउड नहीं मिलेगा आपको। मतलब पूरी तरीके से वीरान बीच भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है आपको, बस थोड़े से ही टूरिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो बीच है ना भाई घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आप भी यहाँ पे आके घूमना।
अगर आप कोणार्क मंदिर आ रहे हैं ना तो भाई आप भी यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना, आपको भाई काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल समुद्र किनारा है और देख लो भाई लहरें आ रही है गजब वाली। तो भाई आज मॉर्निंग में भी हमने यहाँ पे नहाया था और यहीं पे मैंने करी थी अपनी, जो रात को अपना कैंपिंग टेंट था वो यहीं पे हम लोगों ने लगाया था। दोस्तों यहाँ पे भाई आपको घूमेगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और व्यू देख लो भाई कैसा है आपका, ये व्यू देखो भाई जबरदस्त व्यू है यार यहाँ का।